बोरिंग बोरिंग मोड खेलकर पक चुका था भाई। एक अच्छे से मोड को कर रहा था मिस। आज इसी खुशी में सबकी सेटिंग हो जाए, अल्लादीन चच्चा से मांगूंगा विश। हमारा क्या है, हम तो फकीर आदमी है भाई, झोड़ा उठाकर इरेंगल में चल देंगे और इरेंगल की बोटड़ी वो करेंगे किस। अरे भाई ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है, मैंने इतनी लिखी ऐसी भाई, कैसी भाई, तूने लिखी है ना ये? अरे मैंने लिखी, क्या हो गया भाई 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 भाई, क्या हो गया यार, क्या मत कर भाई भाई, दिल से मत मार भाई। नफरत न करके दूर दिल ते साथ निभाइयो, एक बात बोलू तो कैसे हो मेरे बीजीएमआई वाले भाइयो। बिल्कुल बेकार है भाई, इतना गंदा गुड़ मारता है। खरी से तो छोड़ दो भाई, आप गेम प्ले पर ध्यान दो यार। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों नहीं भाई, ये सोचो कि सालों के बाद भाई एक अच्छा मोड खेलने को मिल रहा है यार। भाई इस मोड में बहुत सारे मोड का मिक्सचर है और मजा आ गया यार इस वाले मोड को खेलकर। ऐसे मोड तो आड़े ही बंद हो गए थे भाई, ये तो हमारे जमाने के मोड है भाई। ऐसे ऐसे मोड आजकल के बंदे खेलने के तो दिल गार्डन गार्डन तो हो ही जाएगा। तो ये वाला सुतड़ी बम ऐसा है भाई, जब इसको आप फेंकते हो ना तो बंदा फटता नहीं भाई, बंदे को हो जाते हैं नशे भाई, वो तो जूम बराबर जूम करने लग जाता है इसके अंदर और फिर आप उसे इजीली मार सकते हो। भाई किल्चर, हम तो तुम्हें इरेंगल का एमएलए बना दे, हम तो यहाँ इसलिए आए हैं, पर तुम तो बंदों को नचा नचा के मारते हो यार, ये कहाँ का न्याय है भाई। हमारी अदालत में तो यही न्याय होता है। अब इसको देखो भाई साहब, छत पे सोता है, मार दिया भाई बेचारे को, नोक तो कर दिया था। अभी जो है यहाँ मुझे लगा कि एक बंदा और आ गया है, अब मैं सोच रहा था कि क्यों ना इसे भी नचा नचा के मारता हूँ, पर ये बंदा यार पता नहीं यार कहाँ नो दो ग्यारह हो गया, ये इसने मेरा 500 रुपये का नुकसान और करा दिया यार। या तो ये शायद एग्जिट मार गया था यहाँ से, मैं ये वाला सुतड़ी बम फेंकता हूँ भाई। यहाँ कोई भी नहीं था, अगर होता ना वो इसके अंदर नाचने लग जाता। ये देखो मैं जैसे ही अंदर आया मैं भी नाचने लग गया यार इसके इशारों पे भाई। ये पता नहीं यार क्या ही खतरनाक अल्लादीन दे दिया भाई इन्होंने। और ये वाला कारपेट देखो भैया इसका, भाई इस चटाई पे आप उड़ सकते हो पापा ये हेलीकॉप्टर बनकर, और ये आपको मरवा भी सकती है अगर आप इसे चलाने में एक्सपर्ट नहीं हो। अगर आप इसे पापा की परी की तरह चलाओगे तो आप जरूर मरोगे, तो ध्यान से चलाना भाई। आगे मेरे साथ भी बैंड बज गई थी। अब यहाँ पर ये वाली क्रेट मिलती है, इसके अंदर लूट तो बहुत ज्यादा अच्छी मिल गई थी यार मुझे। तो मैं ये यूज करता हूँ भाई और यहाँ से सीधा आ जाता हूँ यहाँ पर। अब ऊपर की साइड जो है एक बंदा था जो कि नीचे जंप कर जाता है और मैं इसे मारने लग जाता हूँ, पर इसकी बुआ का लड़का भाई छत पर बैठा हुआ था यार, मार दिया भाई इसने मुझे। खैर कोई नहीं, वैसे इस मोड में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे आप स्टार्टिंग में यूज करोगे ना तो आपको मरवा देगी भाई। और आपको इसमें ना एक मैप दिखेगा, जब आप उसे ओपन करोगे तो फिर आपको ये कुछ जगह पर क्रॉस वगैरह दिखने लग जाएंगे। तो मैं वहीं जा रहा था, उससे पहले मुझे यहाँ पर दिखा एक बंदा। कब तक रहेगा इन काले नागों का बसेरा, किल्चर आ गया जरूर पेटी चमकाएगा, तू कौन सा इसका भाई है चचेरा। अभी ये चुन्नू भाई साहब डैमेज तो बहुत ज्यादा हो गया था भाई, ये ऐसे तो मुंडी नहीं दिखाएगा, पहले हेल्थ ही लगाएगा। तो मैं पहुंच जाता हूँ भैया अपनी टाटा सुमो लेकर इसका उद्घाटन करने के लिए। तो जैसे ही मैं इस क्रॉस वाली जगह पर आया भाई, यहाँ पर जो है मुझे दो जगह क्रेट दिखा रहा था और एक जगह यहाँ पर ये क्रॉस। मुझे लगा कि भाई कहीं मैं इस पे खड़ा हूँ और दूर से गोली आए भैया स्नाइपर की और मेरे माथे में से आर पार हो जाए, एक मूवी में ऐसा ही होता था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ आप जो है खुदाई कर सकते हो भाई, और खुदाई करने से आपको यहाँ पर मिलेगी तिजोरी जिसमें से मिलेगा खजाना। अरे यार ऐसी बात नहीं है भाई, छोटी बात कर दी यार, मुझे पैसों से बिल्कुल भी मतलब नहीं है भाई, फेफड़ों पे हाथ रख कर बोल रहा हूँ भाई, मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है रुपयों से। क्या बोला भाई तूने? भाई मैं बोल रहा था कि अगर आप यहाँ पर आओगे ना तो इस जगह पे आपको दो दो पेटियां देखने को मिलेगी जब आप मैप को ओपन करोगे, तो आप यहाँ आ जाना, क्योंकि जब आप ये क्रेट खोलोगे ना तो आपको यहाँ से एक वोल्ट की मिलेगी। और ये की कहाँ काम आएगी वो बताता हूँ। अगर आप ये पेटी खोलते और यहाँ पर ये जिन आता तो ये समझ जाना कि आपको जो है शायद यहाँ से वो की मिल जाएगी। और ये की मिलने के बाद आपको मैप में जो एक गुफा दिख रही थी ना भैया, ये पहले ब्लैक दिखेगी फिर ये चमकती हुई दिखेगी, तो आपको वहीं पहुंच जाना है। वैसे मैं यहाँ पर आ गया था, ये इवेंट की तरह है जैसे बाकी और मोड में होता था,
तो यहाँ पर भी आपको बंदे मिल सकते हैं भाई, और लूट वूट भी मिल जाएगी। बाकी तो मुझे इसमें वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, जैसे मिरर वर्ल्ड मोड में था भैया, ऊपर ही कूद जाओ और फिर फाइट लो, और उसके बाद फिर भैया मतलब जाओ यहाँ वहाँ कहीं भी मर जाओ। तीन तीन रिकॉल मिलते हैं भाई इसमें, और पोचिंग की में एक केक रखा हुआ था क्योंकि ये 6th एनिवर्सरी का जो है थीम पर है। और एक बात और भाई, जो भी बंदे इस मोड को खेले सीधा भैया ऊपर ही जंप करना, क्योंकि अगर आप नीचे जंप करोगे और फिर मारे जाओगे तो फिर आपको फिर से रिकॉल ही लेना पड़ेगा। तो अगर आप ऊपर जंप कर जाओगे ना तो आपको ऑटो रिकॉल ही मिल जाएगा। अगर आप ऊपर मरते हो तो आप सीधा जो है नीचे आ जाओगे, उसके बाद भी आपके पास एक रिकॉल बचा रहेगा। तो ऊपर कूदने से बिल्कुल भी मत घबराना भाई, क्या पता आपको अच्छी लूट मिल जाए या फिर किल मिल जाए, और आप वहाँ से एग्जिट भी करके आ सकते हो लूट उठा के। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है भाई, बाकी और मोड में भी ये चीज़ें होती थी, तो इस मोड में आपको लूट की और किल की तो कमी नहीं होने वाली, क्योंकि तीन तीन रिकॉल है भाई सभी के पास, तो भर भर के बंदे मिलेंगे। वैसे मुझे एक चीज़ और लग रही है कि ये वाला जो मैच है इस मोड में ये लंबा चलता है भाई, ये 30 मिनट से ज़्यादा चलता है। बाकी के जो मैच होते हो 30 मिनट तक चलते हैं, ये शायद 35 या 40 मिनट तक चलेगा, तो थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। अब इसके अंदर ये मैं आ गया था उस चाबी से और यहाँ पर मुझे लूट मिली थी। अब एक गेट अंदर की तरफ था, यहाँ पर तो देखो इतनी अच्छी लूट नहीं मिली थी, और ये जो लाइट है ना भाई ये आधे गेट में आ रही थी। अब मुझे लगा था कि ये टूट जाएगा लेकिन नहीं टूटा। फिर मैं पीछे की तरफ जाता हूँ और जैसे नीचे आता हूँ भाई मुझे एक चीज़ और ऐसी दिखाई दी, ये कहीं पर भी आपको दिख सकती है जब भी आप किसी गुफा में जाओगे भाई, ये आपको दोनों एक साथ भी दिख सकती है, नीचे की तरफ या ऊपर भी दिख सकती है। तो जब मैं उस पर खड़ा हुआ तो फिर ये लाइट इस तरह से पूरे में आ गई थी, और जैसे मैंने इसे ओपन किया अंदर एक और तिजोरी थी भाई, यहाँ पर ना तिजोरियाँ ही तिजोरियाँ रखी हुई है। लेकिन ये वाली जो तिजोरी थी ना, आप समझ सकते हो भैया ये एक सरकारी ड्रॉप है भाई, इसमें लूट बड़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पर मुझे ग्रोजा मिल गई थी और गिली सूट वगैरह सब कुछ मिलता है। वैसे पहले ऐसा था कि जब ड्रॉप पे जाते तो यार अलग ही खुशी होती थी, लेकिन अब ड्रॉप वाली लूट यहाँ मिल जाती है तो वो खुशी नहीं रही भाई अब ड्रॉप लूटने में भी जो पहले थी भाई। धीरे धीरे यार गेम में खुशी बदल गई, मुस्कान भी बदल गई, महक भी बदल गई, वर्षा भी बदल गई। भाई 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 किलचोर ये क्या कर रहे हो यार, कहाँ जा रहे हो, ये स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखी भाई, मेरा कसूर मत निकालना। भाई मेरा कहने का बस यही मतलब था यार कि जब पहले गेम खेलते थे तो एक सरकारी ड्रॉप के पास जाने में भी ना भैया हमारे हाथ पैर कांपते थे भाई, लेकिन आजकल तो यार ड्रॉप को भी कोई भी लूट कर भाग जाता है, बोट भी लूट लेता है भाई कभी कभी तो ड्रॉप को, और भाई मतलब इजी हो गया, बहुत सारी पेटियों में हमें 3 लेवल की लूट वैसे ही मिल जाती है। तो अभी यहाँ पर आया तो भैया नीचे की तरफ दो बंदे थे, मैं इस मैच को इसलिए खेल रहा था ताकि मैं इसको एक्सप्लोर कर सकूँ, आपको दिखा सकूँ, तो इसलिए मैंने किल पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इस मोड में एक्सप्लोर करने का बहुत कुछ दे दिया इन्होंने, और ऊपर किस्ती भी चलती है भैया, हवाई जहाज किलचोर का हवाई जहाज चलता है इसमें, आप ऊपर जाके भी लूट सकते हो, बंदे मार सकते हो, कैंप कर सकते हो, बहुत कुछ है। तो वहाँ पर भी मैं गया था, इस वाले मैच में मैं वहाँ नहीं जा पाया भाई, एक चीज़ ओ बची है, बाकी तो लगभग मैंने यहाँ पर शायद सब कुछ एक्सप्लोर कर दिया भाई जो भी इस मोड में है। और यहाँ की टिप्स ट्रिक्स जो है धीरे धीरे और निकल कर आ जाएगी, जैसे हम यहाँ से डोरीमोन वाले दरवाजा अगर यूज़ करते हैं तो नेट फेंकते तो आगे जाके फटता है, तो बहुत कुछ है भाई इस वाले मोड में। फिलहाल जो अभी इनकी बारी आ गई है टपकने की, हम यहाँ पर वो नेड फेंक रहे थे ताकि ये उसके अंदर नाचने लगे और फिर इसको आराम से मार दूं। अब यहाँ पर इनको मारा इतने में ही भाई कोई बंदे उड़ने वाली चटाई से आ जाते हैं यहाँ पर अपनी पिटाई करवाने के लिए। देख रहे हो भाई कैसे ऊपर से ही एग्जिट करते हैं और सीधा घर के ऊपर, भाई कौन बंदा कब आपके घर के ऊपर आ जाए कुछ नहीं पता भाई इस मोड में। अब एक बंदे को तो मैं नॉक कर देता हूँ, यहाँ पर एक बंदा और था और ये मेरा पहला मैच था तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसलिए मुझे चटाई उड़ानी नहीं आती थी भाई, मैं इस पे बैठ कर जाने की सोच रहा था भाई। ये ना दो तरीकों से चलती है, आप इसे स्विच कर सकते हो, ये जमीन पे चलेगी मतलब जमीन के थोड़ा सा ऊपर चलेगी, और ये फिर बिल्कुल हवा में ऊपर चलेगी। अब पता नहीं यार इस मोड में और क्या क्या होने वाला है, इस मोड में ना आप शायद रैंक पुश भी अच्छे से कर पाओगे यार, तबाही मचेगी भाई इस वाले मोड में भाई। रैंक पुश करते टाइम सोचो क्या होगा अगर सभी के सभी बंदे अगर ओपन में सर्कल बना और सभी के सभी बंदे चटाई लेकर हवा में उड़ते मिले, यार अलग ही पंगे होने वाले हैं भाई। अगर UMP यूज करने से आप इसके ऊपर बैठकर चला पाए ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
अभी फिलहाल यहाँ पर जो है दो बंदे थे, एक को नोक कर दिया था, और जैसे ही मैं ये फेंकता हूँ, ये देखो भाई साहब जो है अंदर मुजरा करने लग रहा है, टिकटॉक की वीडियो बना रहा था, तो इसको तो मैं लपेट देता हूँ। अभी इसका एक टीममेट था जो कि इसको ऐसी हालत में छोड़कर यहाँ से फरार हो चुका था। वैसे इस बंदे की मौत अच्छी थी भाई, भाई साहब नाचता हुआ हमारा नाचता हुआ। अभी ये बंदे जो है मोस्ट ट्रक में घूम रहे थे, झूम रहे थे भैया, इन दोनों की तो चमका दी पेटी। बोलो जय सुनील शेट्टी। अब बचा था एक लास्ट बंदा भाई, अब मैं ये यूज करके देखता हूँ आप ना इसमें से भैया सीधा यहाँ जा सकते हो। अगर आप इसके पास से नेट फेंकोगे ना बिल्कुल पास जाके यहाँ, तो नेट जो है आगे की तरफ ही जाएगा, मतलब आगे फट जाएगा। लेकिन इससे जो है आपके साथ भी हादसा हो सकता है, अगर आप सोच रहे हो कि नेट कुक करके वहाँ फेंक दूँ आगे फटेगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। कभी कभी एक नूब बंदा भी आपके साथ ऐसी हरकत कर देगा जो मेरे साथ हुई भाई। अब एक बंदा बचा था जो कि बिल्कुल नूब था, ये देखो भाई कैसे ऊपर में घूम रहा है। अब सोचा कि इसको तो मैं बिल्कुल ईजिली मार दूँगा ट्रिक यूज करके, लेकिन मेरे साथ बहुत गलत हुआ। और ये चटाई पता नहीं यार, ये ना तो एकदम से मुड़ती, तो ये पंगा भी करवा सकती है लास्ट जोन में, तो थोड़ा सा ध्यान से चलाना भाई इसको। तो मैंने इस वाले सीन की भैया शॉर्ट डाल दी थी, आप सभी ने देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो भैया आप ये वीडियो देखो मेरे साथ हुआ क्या था। मैं यहाँ पर ये यूज करके आगे नेड फेंकने की सोच रहा था, और ये बंदा भाई यहाँ वहाँ घूम रहा था, ये इसमें आ नहीं रहा था। लेकिन बाद में पता नहीं यार इसका क्या मूड बना, मेरे साथ इसने हादसा कर दिया। और मैं ये नेड फेंक रहा था तो ये जा नहीं रहा था वहाँ, क्योंकि थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है इसके लिए, तब जाकर नेड जो है उसी में जाएगा। लेकिन मैं पीछे से फेंक रहा था, तो ऐसे नहीं फेंकते भाई। अगर मैं अच्छे से इसे फेंक देता ना तो ये वहीं जाके फटता और ये बंदा भी खत्म था। अब ये देखो यार, मैं इसे बिल्कुल इजीली मार के डिनर ले सकता था पहले ही मैच में, लेकिन हो गया भैया पंगा। खैर कोई नहीं, इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आप देख लेना आगे मेरे साथ क्या हुआ। और कभी भी भैया किसी भी नूब को कम मत समझना, वो अपना कब 99999 IQ यूज कर ले भैया कुछ नहीं पता। तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके जरूर जाना गाइस।